टी20 वर्ल्ड कप में अब तक करीब करीब 20 मैचेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और सुपर एट की रेस की अगर बात की जाए तो एशियन टीम्स का सुपर एट के रेस में अब तक जो हाल है वो किस तरीके का है, कौन सी टीम के सुपर एट में पहुंचने के चांसेस अभी बचे हुए हैं, कौन सी टीम के बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, कौन सी टीम पूरी तरह से रेस से बाहर हो चुकी है, क्या कुछ चीजें हैं, आइए पॉइंट्स के जरिए इसमें एक बार जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं। एंड सबसे पहले ग्रुप ए की शुरुआत करते हैं। ग्रुप ए का पॉइंट्स टेबल फिलहाल क्या कहता है, उन टीमों का क्या हाल? जरूर देखिए, कल आज रात को इंडिया ने जो जीता है मैच वो सीधा नंबर वन पर आ गए हैं ग्रुप ए में, तो मैचेस में 4 पॉइंट के साथ और रन रेट भी उन्होंने अपना बहुत बेहतरीन कर लिया है। यूएसए की बात करें दूसरे नंबर पर है, 2 मैचेस खेल चुके हैं, 4 पॉइंट वो भी ले चुके हैं, और तीसरे पे कनाडा है, 2 मैचेस में 2 पॉइंट है और रन रेट जो है वो माइनस में है। चौथे पे पाकिस्तान और पांचवे पे आयरलैंड, जो दोनों दो दो मैचेस खेल चुके हैं और एक भी जीत उन्हें मिली। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर आप देखें हम एशियंस की बात करते हैं, यूएसए की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस उनके पास है कि वो सुपर एट में क्वालिफाई करें। उन्हें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आयरलैंड को मात देनी है यहाँ पर और दैट्स इट, उनका काम यहाँ पर हो जाएगा। अगर वो आयरलैंड को हराते हैं तो उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और वो सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और जिसकी परफॉर्मेंस उन्होंने अब तक दी है तो आयरलैंड इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। T20 क्रिकेट है, नो डाउट, क्या पता क्या कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी सिर्फ परफॉर्मेंस अभी तक दी है उस लिहाज से यूएसए बहुत हॉट फेवरेट लग रही है इंडिया के साथ साथ सुपर एट में क्वालिफाई करने। वहीं पर आयरलैंड, माफ कीजिएगा, आयरलैंड की मैं बात क्यों कर रहा हूं, केरला की बात करता हूं। यहां पर केरला की अगर बात की तो उनके 2 मैचेस बचे हुए हैं, लेकिन उनके जो दोनों मैचेस हैं उनमें से दोनों ही मैचेस हैं इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनके लिए भी राह आसान नहीं होंगी। अगर वो एक भी मैच हारते हैं तो रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनका उनसे बेटर नेट रन ऑलरेडी यूएसए का हो जाता है। तो इस ग्रुप में यूएसए जो है वो एक टॉप कंटेंडर है इंडिया के साथ साथ नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। वहीं पर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, यहां पर फिर से मैं गलती कर रहा हूं, पूरे पॉइंट्स को बार बार ले लो, इवेंट है इसलिए बार बार इवेंट को हम फिल्म नंबर्स में भी कवर करते हैं तो बार बार वो चीज आती है। फिर भी पाकिस्तान को अगर बिल्कुल कवर करना भी चाहिए, बिल्कुल सही कहा, आईसीसी इवेंट है, चलिए बिल्कुल सही कहा, तो बात ही कर लेते हैं। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो उन्हें बैक टू बैक 2 मैचेस जीतने होंगे आयरलैंड और कनाडा को, लेकिन एक बहुत बड़े मार्जिन से उन्हें हराना पड़ेगा ताकि उनका रेटिंग भी बेहतर हो, और साथ साथ में उन्हें यह भी दुआ करनी होगी कि आयरलैंड यूएसए को हरा दे उनके आखिरी मैच में, तो पाकिस्तान यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। और आयरलैंड के लिए रास्ते पूरे बंद हो चुके हैं, क्योंकि 2 तो हार चुके हैं वो, और इतनी ज्यादा नेगेटिव में उनकी अटेंडेंस है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। एंड बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ, तो यहाँ से एशियंस के लिहाज से यूएसए टॉप कंटेंडर है और पाकिस्तान अभी भी पूरी तरह से आउट नहीं है इस सुपर एट की रेस से, जो हमने आपको बताया उनके लिए क्या चीजें रहेंगी। ग्रुप बी का पॉइंट्स टेबल है, बताएं। जरूर, पहले पे स्कॉटलैंड यहाँ ग्रुप बी में है टॉप में, 3 मैचेस खेल चुके हैं 5 पॉइंट के साथ और रन रेट भी उनका बहुत स्ट्रांग है। और उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया, 2 मैचेस में 4 पॉइंट के साथ वो अपने आप को देख रहे होंगे सुपर एट में। नामीबिया 2 मैचेस खेल चुके हैं 2 पॉइंट, इंग्लैंड 2 मैचेस खेल चुके हैं 1 पॉइंट सिर्फ मिला है, और ओमान 3 मैचेस खेल चुके हैं और ओमान ऑफिशियली इस रेस से बाहर हो चुके। बिल्कुल सही कहा आपने, कल जो वो हारे हैं स्कॉटलैंड के खिलाफ वो ऑफिशियल मैथमेटिकली फिर भी थे, लेकिन ऑफिशियली अब वो फाइनली बाहर हो चुके हैं, तो ओमान को आप इससे एक्सक्लूड करिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर स्कॉटलैंड की, तो टॉप पर बैठे हुए, एक भी मैच अभी तक नहीं हारे हैं वो, ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच अभी तक हारे नहीं है, टॉप पर बैठे, और जो कल उन्होंने काम किया ओमान के खिलाफ एक बड़ी जीत दर्ज कर, 150 बड़ी जल्दी चेस कर उनसे उनको बहुत फायदा पहुंचा है। नेट रन उनका देखिए आप कितना स्ट्रांग हो गया, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया से भी फिलहाल उनका नेट रन रेट तो एक कमाल का है। बस स्कॉटलैंड के लिए क्या राय है, सिंपल सी राय है, अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतते हैं तो सीधे सुपर एट है, अगर नहीं भी जीत पाते तो कम से कम उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी नेट रन रेट पूरे 20 ओवर अपने खेल लेट अपना कंट्रोल रखे, ज्यादा गिरने ना दे तो बेहतर रहेगा। और साथ साथ में ये दुआ करनी होगी कि इंग्लैंड अपने दोनों में से कोई एक मैच हार जाए तो स्कॉटलैंड आराम से यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बहुत ही कमांडिंग पोजीशन पे है, तो अभी भी लगता है कि शायद वो टेबल टॉप ही करेंगे अपने बाकी 2 मैचेस भी जीतकर। वहीं पर नामीबिया की बात करें तो उनके पास 2 मैचेस हैं, लेकिन उनके दोनों मैचेस हैं उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है और एक इंग्लैंड के खिलाफ है, तो बहुत ही ज्यादा टफ चांसेस है उनके लिए नामीबिया के लिए यहाँ पर हो जाएंगे। और वहीं पर बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के संदर्भ में आपको बताया इंग्लैंड के लिए जो रास्ते हैं वो सिर्फ एक ही तरीका है कि ओमान और नामीबिया के खिलाफ उन्हें एक बड़ी और धमाकेदार जीत चाहिए, क्योंकि उनका जो नेट रन रेट है वो -1.800 में है, तो दोनों के खिलाफ बहुत ही बड़ी जीत चाहिए, और साथ साथ में वो ये भी चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड को मात दे दे तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड अभी भी सुपर एट में पहुंच सकता है। ये हाल है ग्रुप बी का, एंड चलते हैं ग्रुप सी की तरफ। बिल्कुल, पहले नंबर पर ग्रुप सी में अफगानिस्तान है जिसके 2 मैचेस में 4 पॉइंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेट रन रेट है। दूसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज, 2 मैचेस में 4 पॉइंट उनके भी हैं और बहुत अच्छा उनका नेट रन रेट है। तीसरे पे युगांडा, 3 मैचेस में 2 पॉइंट के साथ। चौथे में पीएनजी,
दो मैचेस में कोई भी पॉइंट नहीं है, और पांचवे पे न्यूजीलैंड यहाँ पर है जिसके एक ही मैच हुआ है लेकिन नेट रन रेट हॉरेबली बहुत ही ज्यादा पुअर। बिल्कुल सही कहा, -4 के आसपास यहाँ पर है, और युगांडा पीएनजी ऑलरेडी रेस से बाहर है यहाँ पर नेट रेट को देखते हुए युगांडा के, और पीएनजी के तो कोई विंस ही नहीं है उसको देखते हुए। अफगानिस्तान बहुत ही स्ट्रांग पोजिशन में फिलहाल और टॉप पे फिनिश करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अफगानिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज जो मैच होगा वो शायद कहीं ना कहीं डिसाइड कर दे आखिर दोनों में से टेबल टॉपर कौन होगा। उसके बाद देखिए न्यूजीलैंड को, तो न्यूजीलैंड का जो पहला आउटिंग रहा वो बहुत ही खराब रहा और बहुत ही बुरा रहा, और अब वो उम्मीद करेंगे कि वो बाकी देखिए नेट रन रेट का जो इशू है वो युगांडा और पीएनजी के साथ शायद वो बेटर हो जाए, युगांडा के खिलाफ ही बहुत तो अफगानिस्तान ने जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कर लिया है, पर युगांडा के नेट रन रेट के साथ इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन उन्हें फिर भी वेस्ट इंडीज को मात देनी पड़ेगी तब जाकर वो कहीं ना कहीं सुपर इंटर क्वालिफाई करते हुए नजर आ सकते हैं। मौका अभी न्यूजीलैंड के पास पूरी तरह से क्योंकि 3 मैच से भी बचे हुए हैं। बात करते हैं एंड ग्रुप डी की, लास्ट ग्रुप की बात करें, यहाँ पर मामला क्या है पॉइंट्स टेबल का अगर जाना चाहिए। जरूर, साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर है 2 मैचेस में 4 पॉइंट के साथ, सेकंड में बांग्लादेश, एक मैच उन्होंने खेला है और जीत के साथ उनका आगाज हुआ 2 पॉइंट के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है उन्होंने। नीदरलैंड तीसरे पे है 2 मैचेस में 2 पॉइंट उन्हें मिले हैं, और चौथे पे नेपाल है, एक मैचेस उन्होंने खेला है और कोई पॉइंट उन्हें मिला नहीं, और पांचवें पे श्रीलंका है, 2 मैचेस खेल चुके हैं श्रीलंका और कोई भी विन श्रीलंका के लिए आया है नहीं, ये बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा शॉकिंग यहाँ पर है श्रीलंका के प्रोस्पेक्टिव से आप देखेंगे। साउथ अफ्रीका की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो हमें टेबल टॉप करते हुए यहाँ पर नजर आए, बाकी आठ दिन 2 मैचेस और हैं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी जिस तरीके की फॉर्म उन्होंने दिखाई है टेबल टॉप करते हुए नजर वो आ सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो बांग्लादेश है उसकी बात करते हैं, बांग्लादेश के लिए पहले में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक अच्छी जीत जरूर दर्ज की, लो स्कोरिंग मैच था, जीत दर्ज की, लेकिन अभी भी उनका उनका जो सामना है वो साउथ अफ्रीका से, नीदरलैंड से और नेपाल से, अभी भी 3 अच्छी टीमों से यहाँ पर सामना होना है, और देखना पड़ेगा कि आखिर किस तरह से वो चीजें आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से जीत, उतनी कॉन्फिडेंट जीत वो नहीं आई थी, वर्ल्ड कप है, जीत है, सबको 2 पॉइंट्स तो मिले ना बस बात खत्म हो गई, लेकिन फिर भी अभी 3 और बड़े टेस्ट उन्हें यहाँ पर देना बाकी है, तो लेकिन रेस में वो पूरी तरह से भी बने हुए हैं। नीदरलैंड भी पूरी तरह से यहाँ पर रेस में है, 6 मैचों में उनके 2 पॉइंट जरूर है, एक मैच वो हार चुके हैं, लेकिन अगर आप नेट रन उनका देखेंगे तो बांग्लादेश से ज्यादा कुछ दूरी पे नहीं है, सबसे बात है कि प्लस में फिर वो भी नीदरलैंड बांग्लादेश और नेपाल के साथ जुड़ जाएंगे साउथ अफ्रीका के बाद सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन मिनिमम 2 मैचेस नेपाल को यहां पर हर सूरत में जीतने ही जीतने होंगे इस सुपर 8 में की रेस में खुद को बनाए रखने के लिए। श्रीलंका के लिए हालात जो है वो थोड़े से टाइट हो, क्योंकि उनके बस हाँ ये चीज और है कि उनके 2 मैचेस जो है वो नीदरलैंड्स और नेपाल से हैं, लेकिन उनके खिलाफ सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा, बड़ी अच्छी जीत भी चाहिए होगी क्योंकि नेट रन रेट भी उनका मामला खराब था। बिल्कुल सही कहा है आपने, और ये कोशिश करेगा श्रीलंका जिस तरीके की बॉलिंग श्रीलंका की हुई है वो कोशिश दोनों ही मैचेस, बिल्कुल दोनों ही मैचेस में देखने को मिला है कि शायद वो टॉस जीतकर या फिर नहीं भी हो तो बहुत कोशिश होगी कि बॉलिंग से अगर श्रीलंका डेंट लगा पाए दोनों ही टीमों की बैटिंग पर, क्योंकि बैटिंग इतनी अच्छी दोनों की हुई नहीं है अगर हम देखें नीदरलैंड और नेपाल की, अगर हम देखें अब तक इस टूर्नामेंट में, तो बस यही उम्मीद है श्रीलंका चाहेगा अपनी बॉलिंग से पूरी उम्मीद रखेगा कि बॉलर्स हमारे लिए कुछ करके दें, जल्द से जल्द समेटे और हमारा नेट रन रेट भी बहुत बड़ा है और पॉइंट भी हमें कमा कर दे, सिर्फ बॉलर से उम्मीद कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि श्रीलंका के बैट्समैन खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, नीदरलैंड नेपाल के साथ साथ श्रीलंका के भी बैट्समैन है जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक 2 मैचेस हुए हैं दोनों में श्रीलंका के बैट्समैन सुपर फ्लॉप हुए हैं, और पहले में तो अंडर 80 ही ऑल आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका के सामने। तो ये हाल है कि कौन कौन सी टीमें किस किस सिचुएशन पर है सुपर 8 में पहुंचने के लिए, जहां पर स्कॉटलैंड और यूएसए के पास अभी के तौर पर देखें तो बहुत करीब पहुंच रहे सुपर 8 के, बाकी जो है ओमान, युगांडा, पीएनजी, ये जो है ऑफिशियली अब एग्जिट ले चुके हैं यहां पर, और बाकी सब अभी भी पूरी तरह से रेस में बने हुए जरूर हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपको क्या लगता है कौन सी अच्छी टीम्स सुपर 8 में क्वालिफाई करने जा रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, T20 वर्ल्ड कप की सारी कवरेज लगातार जारी है, हमारा कम्युनिटी ऐप चेक करना मत भूलिए, बहुत सारा कंटेंट वहां पर आपका इंतजार कर रहा है, कल रात भी कई सारे अपडेट्स हमने दिए हैं, उन्हें भी जरूर चेकआउट करें।